एंड सोनू मोनू आ गए। बस अब रिमोट को नहीं छेड़ना, यहीं लगा रहने दो। मेरा नाम सूरज प्रकाश है और फ्रेंच में मुझे सिलोई कहते हैं। मुझे फ्रेंच आती है क्योंकि मैं वहां पे भी आता हूँ ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर फ्रेंच क्यों नहीं बोल रहा। भाई मैं तो बोल लूंगा, आप लोगों को समझ में आएगी क्या? और वैसे भी ये शो हिंदी में है, हालांकि शो का नाम अंग्रेजी में है, द कपिल शर्मा शो। वो इसलिए रखा है क्योंकि अंग्रेजी में नाम रखने से इम्प्रेशन पड़ता है। अब एक सियानी बात, कभी भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों तोड़ना भाई किसी का सिग्नल? और आप तोड़ेंगे तो हो सकता है आपका हाथ भी टूट जाए। चलो अब प्रोग्राम शुरू करते हैं, हंसने हंसाने का टाइम हो गया है। चलो भाई शर्मा शो को पावर्ड बाय चिंग्स चाइनीज एंड दैट सन। कैसे आप लोग पाजी? कैसे आप? टन टन हैविंग फन पाजी। न्यूज़पेपर उठा के देखो, है ही नहीं। अजीब अजीब खबरें आ रही, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये देखो, शराब के नशे में धुत बंदर ने महिला को चुंबन, बंदर गिरफ्तार। बंदर का क्या कसूर पाजी? उसने मेकअप इतना खराब किया था, उसको लगा शायद मेरी बीवी है। हद है यार। अभी ये देखिए, प्यार में अंधा दामाद सास को ले भागा। हाँ? अपना काम खराब किया कि ससुर का बुढ़ापा खराब कर गया भाजी। मुंबई में पानी की किल्लत भाजी, आज पूरे देश में पानी की किल्लत चल रही है। और पानी की किल्लत कभी कभी ऐसी जगह हो जाती है आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी आदमी बाथरूम में बैठा है, ऑलमोस्ट डिलीवरी दे चुका है तो, और लोटा सूखा है, एकदम से फ्लश में पानी खत्म। अच्छा ऐसे में वो लोग तो बच जाते हैं जो न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, वो फिर ताजा ताजा खबरों से बासी काम निपटा रहे होते हैं। अच्छा जो लोग नॉवल लेके जाते हैं, नॉवल लेके जाते हैं और फिर जब बाहर आते हैं तो नॉवल के पहले चार चैप्टर खराब हुए होते हैं। लोग पूछे नॉवल छोटा कैसे हो गया, अरे वो तीन चार चैप्टर ऐसे बोरिंग थे हो गया। अच्छा लोग बड़े बड़े कुत्ते पाल लेते हैं कई बार, बड़े बड़े कुत्ते इतने बड़े बड़े बाल। अच्छा जब गर्मियां आती हैं उनको नहलाने के लिए पानी की शॉर्टेज होती है, फिर सारे बाल कुतर देते हैं। 20 किलो का कुत्ता 1.5 किलो का निकल आता है। फिर बिल्ली देख रही होती हैरान होगी, मियां हूं अच्छा 1.5 किलो का, साले 3 साल से डरा रहा था तू। शॉर्टेज सिर्फ पानी की नहीं है, हर एक चीज की शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी। मैंने देखा हम लोग, हम अभी यूपी गए थे, लखनऊ गए थे, वहां पे एक जगह से निकल रहे थे, वहां पे बिजली नहीं आती बाजी। तो मैंने वो भाई साहब से पूछ लिया, मैंने कहा यार एक बार बताओ कि यूपी की जनसंख्या सब प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्यों है? कहता अब कहा बताए, लाइट आती नहीं, अंधेरे में करे तो क्या करे। मुंबई की लोकल ट्रेन में आप सब सफर किया होगा, पर आपने देखा ना कि मुंबई की लोकल ट्रेन में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं रहता, प्यार और भाईचारा बड़ा रहता है वहां पे। आदमी ऐसे खड़ा और दूसरे आदमी के साथ ऐसे चिपका होता है। अच्छा ये पढ़ा तूने सही, इतना चिपक के जाता ना आदमी कि सामने वाले की मूंछों के बाल आपकी नाक में घुस रहे होते हैं। अच्छा आदमी भी सोच रहा होता है उस समय कि 3 बच्चे हैं मेरे, इतना पास तो मैं कभी बीवी के नहीं गया। कभी क्या बताए ना, बुजुर्ग आदमी ना अपने बाल रंगते हैं ना, तो सडनली उनको याद आता है मुझे तो डाई की नहीं, बाल काले हो गए, मुझे सफेद, फिर यहां से खींचते हैं। हर चीज की शॉर्टेज होती है। अच्छा पहले के लोगों के पास अभी भी ऐसा होता है, मतलब मैं हमारी मम्मी को पेंट लेके देती थी, कोई तो 10-10 साल वही चलाते थे। बच्चे को बड़ी पेंट ले देते हैं, जब नई होती तब फिट नहीं आती, वो लटक रही है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तब जाके फिट होती है, तब वैसे पुरानी हो जाती है। अच्छा जब कभी हम लोग एक पेंट को 10-10 साल खींचते हैं ना, एक टाइम पे जाके पेंट जो होती है आदमी थोड़ा मोटा हो जाता है, फिर पीछे से खुलवा लेते हैं। अच्छा जहां से खुलवाते हैं ना वो पैच अलग से चमक रहा होता है। सारी पेंट का रंग फेड हो गया, वो अकेला ही ऐसे जा रहा है, तो पता चलता है कि यार ये पेंट खुलवा गया है। अच्छा आया गुरु। जब नई नई शादी होती है सर, उसमें प्यार में भी शॉर्टेज आ जाती है। नई नई शादी होती ना, जैसे ये मोहतरमा आपके पीछे बैठी हुई फूलों वाला घाघरा पहन के, यही तो मेरी बदकिस्मती है, मुझे नहीं दिखती, बस तुझे ही दिखती है। लेकिन स्टार्ट होने से पहले जो 1 घंटा आप बातें करते वो
वो तो नहीं ना हम करते. आदमी बीवी को लेके जाता है बड़ा ध्यान रखता है, दरवाजा भी खुद खोलेगा, कमन डाल यूगो ना, ध्यान से पूरा एक एक चीज का ध्यान रखते, ध्यान से डालने गड्ढा, गड्ढा आ जाए तो गवर्नमेंट को कोसता है, ये सरकार किसी काम की नहीं है, गड्ढे अभी तक भर रहे. वही आदमी 20 साल बाद बीवी के साथ जाता ना, बीवी गड्ढे में गिर गई, अंधी देख के नहीं चल सकती. प्यार में कमी आ जाती है, शॉर्टेज आ जाती है. सेल्फी लेने की बड़ी आदत है आजकल तो बड़े बुजुर्गों को भी बड़ी आदत हो गई है. हालांकि उनको मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, पाउट उनका नेचुरली हो जाता है बुढ़ापे में, और फिर भी सेल्फियां. अच्छा मैंने एक चीज और नोटिस की पाजी, एक उम्र के बाद ना आदमी शर्म हया से उसका नाता खत्म हो जाता है. नीट हो जाता है. हम लोग आम लोग बाथरूम में जाते हैं ना, तो हम लोग पूरा ठीक भी करके आते हैं, इधर पैंट पे छींटे वीटे तो नहीं कुछ जो भी है, फिर पूरा क्लियर करके फिर बाहर निकलते हैं. बुजुर्ग लोगों का कोई पता नहीं, काम खत्म के नाड़ा बांधते बांधते बाहर आ जाओ भाई. उनको पता है वो तो निकल गई जिंदगी. अच्छा मैंने कई बार ऐसे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, कई बुजुर्ग ना भरी महफिल में बैठे बैठे ना छोड़ देते हैं काम, ऐसे आवाज आ गई, वो ऐसे रिएक्ट करते जैसे उनको पता नहीं चला क्या हुआ. और सुनाओ, कहते पापा जी आप तो खुले में सुना रहे हैं, हमें क्या पूछ रहे हो, और सुनाओ. बड़ी अच्छा, कई लोग ऐसा होता ना कि कई बार जाने अनजाने में आपसे कभी हो जाता है, नेचर है, क्या करें, ऐसे कभी अचानक से चार छह लोग बैठे ना दोस्त, तो ऐसे आवाज आते, तो आदमी ना शर्मिंदगी से बचने के लिए करता है. ऐसा कर लेते आप. It sounds funny. मैंने देखा है बड़े लोग जो होते हैं ना उनकी आदतें स्टाइल बन जाती हैं. जैसे सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में जाते हैं तो ऐसे करते, पहले लोग कहते वाह यार क्या स्टाइल है सचिन. सचिन जैसा कोई नहीं. गरीब आदमी ऐसा करे ना, लंगोट ठीक से बांधा कर. लड़के लड़कियों की आते देखो बिल्कुल अलग होती हैं. लड़कियों को जरा सा पिंपल निकला ना 3 दिन तक घर से निकलती. मैं नहीं जाऊंगी मम्मा. नो हाउ यू शो माय फेस टू माय फ्रेंड्स. लड़कों को कोई शर्म नहीं होती, मुंह पे मधुमक्खी का छत्ता पूरा हमला करके बैठा है. यार दोस्त की शादी में पहुंच जाते हैं. कोई शर्म आया ही नहीं. भाई की शादी थोड़ी मिस करनी है, टेढ़ा सा मुंह खोल के रसगुल्ले ठूस रहे होते हैं अंदर. कोई शर्म आया नहीं. बड़े लोग क्या करते ना, सैंडविच खाया, सैंडविच से महंगा उनका लिफाफा होता है. सैंडविच खा के लिफाफे को ऐसे मरोड़ के रखेंगे जैसे इसमें कुछ आया नहीं आज तक, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं. मेरे जैसे गरीब आदमी ना पहले जलेबियां खा लेंगे, पहले खाकी लिफाफे में से, फिर जलेबियां खा के फिर उसको फूंक भर के. बड़ा फालतू का काम. जैसे मैंने देखा कोई पढ़े लिखे माँ बाप का बच्चा ना, वो स्कूल से आ रहा है, एक तो वो पैदल आता नहीं हो, गाड़ी बड़ी में आता है, पर आके उसके दिमाग में यही चल रहा होता है, थीटा प्लस इक्वल टू अलजेब्रा, ये उसके काउंटिंग चल रही होती है. हमारे जैसे बच्चे ना शुक्र करते हैं कि स्कूल में छुट्टी हुई, पता नहीं क्या दिमाग में अजीब ही चीजें चल रही होती. चलते चलते बैग ले ऐसे करते थे. अच्छा हम लोग बात कर रहे थे शॉर्टेज की. यहाँ पे कितने मेरे दोस्त हैं जिनकी लाइफ में कभी किसी ना किसी चीज की शॉर्टेज आई है, जान जिनको लगता है कि अगर जैसे मैं पानी की बात कर रहा था, पानी की शॉर्टेज को किस तरीके से कम किया जा सकता है. तो सर आप बताइए, आपके पास माइक है. तू इधर बैठी पगली, मैं तेरे को उधर ढूंढ रहा था. अच्छा तो सर आपको क्या लगता है हमारे देश में अगर पानी की किल्लत चल रही है, किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है. ग्रीनरी बढ़ा के कहाँ उगाएं पेड़ सर. हर एक के घर के बाहर. घर के बाहर पेड़ उगा दें तो सड़क जाम कर दें. सर सड़क क्यों जाम होगी, सड़क तो बहुत बड़ी है. सड़क बड़ी है आपके घर के बाहर, बड़ी होगी ना. हमारे घर में तो सड़क है ही नहीं ना सर. घर के पीछे उगा दो. घर के पीछे उगा दो. उगाना घर के आगे पीछे ही है. और कहाँ उगा सकते हैं, गार्डन में उगा सकते हैं. तो भाई साहब का ये कहना है कि पेड़ लगा दो. करते क्या भाई साहब आप. इंटीरियर डिजाइनर होंगे. इंटीरियर डिजाइनर है. हमारा कैसा लगा इंटीरियर आपको. सर काफी बढ़िया है. बढ़िया है ना. आप अभी छोड़ दो. शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. पानी की किल्लत को लेकर, पानी की समस्या को लेकर कोई अपने विचार पेश करना चाहते हो. आजकल बच्चे बड़े शाणे हैं, समझदार हैं. आप क्या कहना चाहोगे बेटा. कुछ नहीं. थैंक यू. मेरे को पहले बता दीजिए मैं नीचे क्यों बैठा. मैम आप किन के साथ आई हैं. फ्रेंड्स के साथ. आपके फ्रेंड्स हैं और जो उस तरफ बैठे हैं आपको ताड़ रहे हैं वो. अभी 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 मिले आपको. सर मैं अकेला आया हूँ. यही सोच के आयोगे ना, उधर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी. हाँ सर. तो मैम आप काफी खूबसूरत लग रही हैं. थैंक यू. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आर यू सिंगल. नो आई एम मैरिड.
इनसे माइक ले लीजिए. अच्छा सॉरी, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे कि देश में जो पानी की किल्लत है वो कैसे दूर की जा सकती है? वी आर ब्रशिंग द टीथ, तो तभी वो टाइम के लिए थोड़े जब भी ब्रश करे तभी नल नहीं चालू रखना, ऐसे ही फ्लो होते रहता है. नहीं, बड़ी अच्छी बात कही आपने. जैसे ब्रश करते हैं, कोशिश करें कि ब्रश करते हुए पानी बचाएं, और हो सके तो ग्रेवी वाला ब्रश करें ना, ड्राई ब्रश करें. एक दिन छोड़ के करें, क्या फर्क पड़ता है? आप ही का मुंह है, आप ही की स्मेल है, आपने कौन सा किसी को. एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब. आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर. सर मेरा नाम विजय मिस्त्री है. आपकी शादी हो गई सर? हाँ सर, हो गई है मेरी शादी. अभी इधर आके बैठे हुए ना. हाँ सर. कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को 18 साल हो गए हैं. फिर तो आपका बनता है इधर बैठना. तो पानी के लिए आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ सर, मैंने देखा है कि मतलब मर्द लोग थके मांदे जब भी घर पे आते हैं तो थकान दूर करने के लिए वो लोग विस्की पीते हैं. तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर विस्की पिए तो नीट पिया करे, पानी डालकर ना पिया करे. देखिए पानी को बचाना हर कोई चाहता है. सजेशंस जो हैं वो उलट पुलट हो सकती हैं. 18 साल शादी को हो चुके हैं, उनकी भावनाएं समझें, उनके शब्दों पे मन ना जाए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सर. मेरी वाइफ का नाम भी वो भावना ही है. आप भावना को समझा करें. थैंक यू सर. शुक्रिया सर. इतनी लेट की दुकान खोल रहा है? यहां मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं. मार गया नेला पे देला. अरे मुंह से क्यों लग रहा है तू मेरा नौकर है? सुबह सुबह बोने का टाइम है, मूड मत खराब करो. सुबह सुबह बोने के टाइम पे खराब मूड लेके घूम रहा है, उसका क्या? शर्मा जी आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरी जठानी है, हर वक्त ताने मारते रहते हो. कभी हंस भी लिया करो. ये देखो कितने अच्छे अच्छे जोक्स आते हैं मोबाइल पे. ये देखो, बच्चा पापा आप स्कूल मत आना, ऐसा मुंह लेकर आओगे तो मेरी बेइज्जती होगी. अबे तेरे बेटे का मैसेज है. बजा चाय पिला. 70 रुपए लगेंगे. 70 रुपए का तो पेट्रोल आ जाता. तो पेट्रोल में पत्ती डालकर दे दूं आपको. क्या आग लगाने वाली बातें ना कर, चल जा चार. आग मैं नहीं लगा रहा हूँ, आग आज कोई और लगाएगा. वो नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा आपने? वो जो हमारे डॉक्टर ना, आज उसकी जो नर्स है ना लॉटरी, वो आज यहाँ पर रेन डांस करने वाली है. क्या बात कर रहा है? हाँ. तेरे को शर्म नहीं आती? एक बच्चे का बाप हो गया ऐसी बातें करता है तू? अगर शर्म आती तो उस बच्चे का बाप ना बन पाता मैं. बच्चा नहीं बाप है इसका बाजी, वो 7 साल का बेटा इसका. इतना बदतमीज है वो. अच्छा बच्चे कहते ना मेरा पेट खराब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो अपने टीचर को कहता है आज मेरे पापा का मुंह खराब मैं स्कूल नहीं आऊंगा. पाजी सही बात है, कल मैं उसको होमवर्क करा रहा था, पुलिस स्टेशन चला गया, पुलिस वालों को जाकर बोला, कहता बाप मुझसे चाइल्ड लेबर करवा रहा है. अदरक वाली चाय पी के बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे फिर. उसने मेरा प्यार देखा, अभी तक मेरा भयानक चेहरा नहीं देखा. तेरा इससे भी भयानक चेहरा है कोई? मेरी दादी झांक छोड़ रही है. नानी नानी नानी. अशुभ शुभ वाला भाई, अशुभ शुभ वाला भाई, शुभ शुभ वालो. क्या पता झांक वाला हार्ट अटैक आया हो. डॉक्टर साहब ये कौन सी नई बीमारी लॉन्च कर दी आपने? नया प्रोग्राम है, नया टाइम स्लॉट है, बीमारी भी तो नहीं हो सकती है ना. पानी अंदर ही ढूंढो, यहाँ कोई पानी नहीं मिलेगा आपको. अरे सब जगह ढूंढ लिया मैंने, वॉशिंग मशीन के अंदर भी मुंह डाल दिया, वहाँ भी पानी नहीं मिला. बोलो वॉशिंग मशीन तो घर में है ही नहीं. अच्छा तो फिर वो क्या है जिसके बटन दबाने से अंदर पानी गोल गोल घूमता है? वो छोटा सा. नानी उसे कमोड़ कहते हैं. और ये तू मुझे आज बता रहा है? पिछले 3 सालों से मैं कपड़ा उसी में धो रही हूँ. तभी मैं सोचूं कपड़े डालती हूँ तो वापस क्यों नहीं आता. कैसे डॉक्टर आप? एक तो मेरी नानी की आंखों का ऑपरेशन खराब कर दिया, बेचारी को दिखता नहीं, इलाज क्यों नहीं करते उसका? अच्छा इलाज करके मैंने अपना कैरियर खराब करना? सिद्धू साहब. हाँ जी. ऐसे पेशेंट होते हैं जो बच जाए ना तो बाद में डॉक्टर की बदनामी करते हैं. डॉक्टर इधर है.
हाँ हाँ मैं इधर हूँ इधर हूँ। क्या बकरा है तू डॉक्टर? बकरा? इसने मुझे बकरा का मेरे में बकरी की किडनी लगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बकरा हूँ। मेरे को बकरा नहीं कहना, मैं बकरा नहीं हूँ। कंट्रोल डॉक्टर, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तू मुझे बताएगा डॉक्टर मैं हूँ? हाँ बड़ा है एंटीबायोटिक के मुंह वाला। ओ मर्दी करो फिर जा मर्दी। अरे मनु सब कोई तो पानी दे दो। चंदू तू ही पानी दे दे। आज पानी नहीं मिलेगा, पानी का इशू चल रहा है, इसीलिए घर में टिश्यू चल रहा है। लेकिन अगर मुझे पता चला कि सोसाइटी में किसी को पानी मिला तो आज यहाँ पानीपत का युद्ध होगा। अरे नानी बस! अब मैं जा रही हूँ। घर पीछे बताए। नानी पेड़ है वहां पे। बताए बताए। पेड़ को नमस्ते करने के लिए आई थी। नमस्ते पेड़। कुत्ते वाली खांसी लगी, बाप से दवाई क्यों लेती? पाजी बचपन में ना ये कप्पू मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाता था। याद है हम लुका छुपी खेलते थे? मैं छुप जाती थी और फिर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाते थे। मैं तुम्हें ढूंढता ही नहीं था, तुम छुप जाती थी, मैं घर चला जाता था। किसने कहा तुझे? ऐसी गंदी जगह पे छुपती थी ना पाजी ये? एक बार तो वॉश बेसिन की पाइप में फंस गई, मैंने फिनाइल डाली फिर बाहर आई है, छुप जाती थी। तुम जो मर्जी बोल लो लेकिन ये मेरे पीछे पागल था पागल। एक दिन तो इसने मेरे लिए खून से लेटर लिखा था। ओए आई हेट यू कोई खून से लिखता? मैंने पान खाया था उस दिन, उसकी पीक थी वो। पान की पीक? यू क्या करी, मैंने गोबर खाया था क्या? छी क्या टेस्ट आ रहा है? जी, ये ना सबके सामने ऐसी बातें कर रहा है लेकिन मैं किसी बड़ी अच्छी क्वालिटी बताती हूँ। बताओ, इसको बताओ। ना मेरे बारे में सब कुछ याद है, सब कुछ याद। तो पाजी मुझे मुगलों की हिस्ट्री भी है, इसका मतलब ये थोड़ी मेरा बादशाह कब्र के साथ कुछ लेना देना था। ये क्या बात हुई? I'm an intelligent student। तू बड़ी कब होएगी? कपू तुम मेरी हाइट की टेंशन मत लो, डैडी ना हाइट बढ़ाने की दवाई बना रही, तो मैं बहुत जल्दी लंबी हो जाऊंगी। लंबी हो जाएगी तो दिमाग कैसे लंबा होगा तेरा? आपको पता पाजी आज भी मिट्टी खाती है। हाँ दीवारों से नोच, ये हॉस्पिटल सारा इसी ने खराब किया। आप कहा मैं मिट्टी खाती हूँ? हाँ सॉरी अब नहीं खाती, अब तो कॉलेज जाती है, अब सीमेंट खाती है। Why do you ignore me always? I don't ignore you, I just hate you. शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन पाजी कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं फर्स्ट आई हूँ। शाबाश, ऐसी बातें करनी है, कॉमेडी शो है। देखो कपू अगर तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करते रहोगे ना तो मैं पापा से छुपकर कपड़े सुखाने नहीं आऊंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? सोसाइटी में पानी नहीं है, कपड़े सुखा रही है। कपड़े मैंने धोए नहीं, कपड़े सूखे हैं। सूखे कपड़े क्यों सुखाने आई है? जब एक लड़की सूखे कपड़े दोबारा सुखाने आई तो उसका मतलब समझते हो? ये बात तुम यहाँ पे भी कह सकती थी, मॉडलिंग करके आने की क्या जरूरत थी इधर? बी सीरियस। क्या है? उस बात को समझते हो? समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ। क्या? कि लड़की का दिमाग खराब है। सलाद बढ़ा अपना जा। तुम्हारा ना मैं कह रही हूँ तुम 100 जन्म भी ले लोगे ना फिर भी तुम्हें मेरी जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी, तुम पछताओगे। 100 जन्म? कदम पे देखिए अगर 1 घंटे में पानी नहीं आया तो हम हिप्पोपोटामस बी का इंजेक्शन लगा देंगे आपको। मैंने कहा जी मरीज तो आपका यहाँ खड़ा है, इंजेक्शन किसको ठोक रही है? मरीज कहाँ है मरीज?
अरे ये जो हैंडसम सा बंदा आपके सामने, आपका मरीज ही तो है। सिद्धू जी आपको क्या हुआ? अरे इसके पिताजी को पुलिस पकड़ के ले ली, बैंक का लोन नहीं दिया, पागल हो गई ये। दिमाग खराब हो गया इसका। तो कपूर तुम मेरा दिमाग ठीक कर दो। मैं ठीक कर देती हूँ। Shut up! तुम्हारा इलाज तो डैडी करेंगे। तीन इनकी तनख्वाह ना मरवाई ना तुम्हारी कफ सिरप कहेगी। डैडी! डैडी! इनको छोड़िए, आप मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए ना। क्या हुआ आपको? मेरे को रात को मतलब गोरे गोरे रंग के सपने आते हैं जी। कोई ऐसा इंजेक्शन ठोकिए मेरे को ना, मेरे सपने रंगीन आने शुरू हो जाएं। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, हम जानते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं, एक मिनट रुको, सही दो मिनट है, ऐसे कैसे पाप लगेगा तुम्हें। अब आई हो तो थोड़ा बीपी चेक कर दो। चलो आ कर दो। इससे वैसे चेक तो नहीं होता, पर आप कहती तो मान लेते हैं। कर दो कर दो। हाँ सब ठीक है। अब आप सोचो कि लड़के का बीपी बड़ा भी नहीं हुआ, फिर भी बीपी चेक करा रहे हैं, उसका मतलब समझते हैं आप कि उसका दिमाग खराब है। और जो लड़की बिना बाल के किसी की बात में टांग रहा है ना, समझो उसे कोई ईंट मारने वाला है। डैडी आई, आई। हॉस्पिटल में पानी नहीं है, माँ के लिए पानी नहीं है, मुझे पानी चाहिए। हॉस्पिटल में मतलब क्या पानी चाहिए आपको? मरीजों को नहलाते भी आप? ओह माय गॉड, मेरे कमर में दर्द हो रही है। कमर तो पीछे है। तो दर्द में कहाँ पता चलता है, कौन सी चीज कहाँ पे? देखिए आप मुझे। सोसाइटी में पानी नहीं है, आई डोंट केयर व्हाट यू डू, मुझे पानी चाहिए। आप चिंता ना करो, मैंने आपके लिए ये मैं अपने पीने के लिए रखा था, आप इससे नहा लो। ये क्या है? आप सिर्फ बाल गीले कर लो, कयामत आ जाएगी। कप्पू, गीले बालों में मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसा लगता है चूहिया नाली में से बाहर निकली है। अपने बाल पोंछ ले, जुएं पड़ जाएगी तेरे बालों में। तुम हमेशा मुझे टॉन्ट क्यों मारते हो? मैं तो पत्थर भी मार दूं, मेरा निशाना ठीक नहीं है। आपका निशाना भी ठीक नहीं है। पास का तो बहुत अच्छा है जी। आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, पता है मुझे किसी की याद दिलाती हैं। किसकी? इनकी दीदी की। मेरे पास ना एक्स्ट्रा तीन बहनें थी, उनमें से एक मैंने इनको दे दी डॉक्टर को, ये मेरी बहन है दीदी। हाय डैडी, डैडी। ऐसे थोड़ा सा चेक करिए ना, बुखार लग रहा है मेरे को, थोड़ा गरम गरम लग रहा है। बिल्कुल तन्ना है। गरम भी आएगा, 7 बजे तक आएगा। आइस टी, आइस टी। 7 बजे? हाँ। अच्छा 7 बजे मेरी परफॉर्मेंस है, एक काम करो थोड़ा जल्दी बुला दीजिए। कौन परेशान कर रहा है मेरी बेटी को? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? ओ सॉरी डार्लिंग। How many times do I tell you? Not darling, sister. 3700 रुपए की तनख्वाह मैं तेरे को सिस्टर कहने के लिए देता हूँ। जाओ अंदर चल के, वो 3 नंबर बेड पे पेशेंट लेटा हुआ, उसको चेक करो। कोई नहीं है 3 नंबर पे। कोई कैसे नहीं है, मैं लेटा हुआ हूँ ना वहाँ पे। क्या हुआ? मेरे को वो जो आफ्टर पार्टी वो हो जाता है ना, थोड़ा सा वो लूज मोशन हो गया। ई, मैं इस चक्कर में मेरी बच्चा भी छोड़ दिया है। हेलो है? हाँ। बच्चा भी है? तुमने बताया नहीं। बच्चा गोद में लिया, जैसे मैंने लिया खराब कर दी, तो मैं वापस दे दिया। ओ, ओ, वैसे ओ। वैसे ठीक है, वैसे तो फिर ठीक है। नहीं नहीं, अब तो आपको बच्चे की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं अकेला हूँ। अच्छा आप अकेली हैं? हाँ मैं अकेला हूँ, मेरा दादा अकेला हूँ, मेरा पापा अकेला हूँ, मेरा भाई अकेला हूँ, पूरी परिवार अकेला हूँ। पूरा परिवार कैसे अकेला हो गया मतलब? क्योंकि मेरा सरनेम अकेला। टॉटरी अकेला। अच्छा डैडी, टॉटरी अकेला। हाँ। 2 मिनट खड़ी रहे, 2 मिनट एंजॉय हो रहा, चलो उधर वापस जाओ, वापस जाओ, गो बैक, गो बैक। मुझे भी नहीं आपने बताया कभी। वैसे आप लॉटरी अकेला, मैं कप्पू दुकेला, हम लोग दो दो करके हो जाते हैं। डैडी, हाँ जी, ये मुझे छेड़ रहा था। हाँ भाई, छेड़ू लाल क्यों मेरी बेटी को छेड़ रहा है? अगर तूने मेरी बेटी को छेड़ा ना, तो मैंने तेरे अंदर इंजेक्शन डाल देना, फिर मैंने उसको तोड़ देना।
जैसे जज तोड़ते ना अपना पेन जजमेंट के बाद, फिर मैंने उसके अंदर फूंक मारनी है, सुई अंदर से घूमेगी, तेरे को बड़ी दर्द होगी। तेरे मुंह से ना फिर आई आई निकलेगी। मैंने फिर उसको मत कह। अबे जाओ जाओ, कौन सा डॉक्टर है आप? मैं मशहूर डॉक्टर हूँ। कौन मशहूर है, कौन जानता है आपको? डैडी का नाम है डॉक्टर मशहूर। हाँ तो मैंने थोड़ी कहा मैं कभी मशहूर हूँ। बड़े डॉक्टर, डॉक्टरी का पता भी है आपको कुछ? मेरे को डॉक्टरी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता है। सिद्धू साहब, मेरे पास ना पेशेंट आया 3 दिन पहले। अच्छा? मेरे को कहता मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरी सांस तेज चल रही है। मैंने उसको ऐसा इंजेक्शन लगाया, उसकी सांस रुकी, अभी नॉर्मल है। इतना सिंसियर पेशेंट है, 3 दिन से बाथरूम भी नहीं गया, वो आराम से बैठा हुआ, एक ही तरह से बैठा हुआ, कुछ नहीं हुआ, शरीर छोड़ गया वो। चेक कर लो, मरना गया वो। मेरे बिना पेमेंट दिया कैसे मर सकता है भैया? मनहूस कही गए। एक बात बताओ जी, इतना खुश क्यों है आप? तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता। अरे आपकी परफॉर्मेंस होने वाली ना 7 बजे। कद्दू परफॉर्मेंस? पानी नहीं है, कैसे रेन डांस करना है? पानी की कमी है आपको? अरे आपके लिए पूरा समंदर लेके बैठे हैं हम लोग, आप 2 बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। आपकी सेवा में बादल खुद हाजिर हैं। और तब तक बरसेंगे जब तक आप सर से लेकर पांव तक भीग नहीं जाते। इधर बर्तन नहीं धुल रहे, चल दफा उधर। चाय बेचने की हिम्मत है कुछ की आगे? बैटरी तेरी निकल रही है। आप चिंता ना करें, मैं आपके भीगने का इंतजाम करूंगा। ऐसे नहीं लग रहा कि आज मेरी परफॉर्मेंस होना है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का झगड़ा परफॉर्मेंस होना है। लॉटरी हक हो जाए। आज तुम्हारी परफॉर्मेंस होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम थोड़ा सा डांस दिखाओ, पानी अभी आ जाएगा। इधर बैठ जा। मेरे साथ नाचेगी वो, मेरे साथ नाचेंगी भाई वो मेरी। सुनो, वो मेरी नर्स है, वो मेरे साथ नाचेगी। हम इनके पेशेंट है, हम आपके साथ नाचेंगे। पहला हम रिहर्सल कर देंगे, ठीक है? म्यूजिक। तुम मेरे साथ रेन डांस करो, तुम्हें सर्दी भी नहीं होगी। सर्दी को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है, आपका बदनामी को कौन करेगा ट्रीटमेंट? अरे क्या बात कर रही है, आपके पिता जैसे हैं। आया बेटे। तुम रुक, मैं जा रही। नहीं लॉटरी, यहाँ से जाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजर कर जाना पड़ेगा। गुजर जा। Calm down, I'm going to get ready performance के लिए। चलिए मैं आपको तैयार कराता हूँ, आ जाओ। एक मिनट। आज तक कोई भी पेशेंट मेरी इजाजत के बिना बाहर तो आ सकता है आईसीयू से, लेकिन मेरी इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात थी नहीं, इतना बड़ा डायलॉग बोल दिया आपने। आप लोग डायलॉग में एंटरटेनमेंट ढूंढते रहना। वो अंदर रेन डांस के लिए तैयार होने चली गई है और एक बूंद भी पानी की नहीं है यहाँ पे। और रेन डांस करे तो सही, मैं यहाँ पे कुआं खोद दूंगा। तो फिर 5 फीट तक ही खोदना। वो क्यों? क्योंकि 6 फीट के बाद स्टेज खत्म हो जाती है। इतनी वाहियात घटिया बात की है तूने। ले भी 10 रुपए ले, इसके मुंह पे एक बात क्या। क्यों वो फावड़े जैसे मुंह वाले?
ये खुदाई वाली बात करनी जरूरी थी तेरी? ऐसे 10-10 के 20 नोट है मेरे पास। एक और ले भी, एक और बात क्या? तुम्हारा मुंह ऐसा है जैसे इसका मुंह। वाह भाई, ये आती है पुरानी यारी। ये यार तुम लोग यहाँ पे खड़े, 7 बजने वाले डांस शुरू होने वाला है, पानी का इंतजाम तो करो। ओ, चलो फिर। चलो 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 चलो, चला जा, जाओ अंदर, भाग जा। पानी नहीं आएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। एक बात है, डॉक्टर साहब ने कहा आज अगर पानी नहीं आया तो ये जान दे देंगे, अगर ये अपनी बात से मुकरे हम इनकी जान ले लेंगे। भगवान करे तुम दोनों का लूज मोशन हो जाए। और इलाज कराने के लिए तुम मेरे पास हो, मैं कर ना सकूं क्योंकि उस दिन मुझे भी लूज मोशन हो। हम मर जाएंगे लेकिन आपसे दवा कभी भी नहीं लेंगे। मेरे से इलाज नहीं कराओगे तो मरोगे कैसे? हट। चलो फटाफट पानी रेस करो। पानी, पानी। डॉक्टर साहब टाइम तो हो गया वैसे। हाँ बस 3 सेकंड बाकी हैं। 3, 2, 1, 7 o'clock। हमने तो बिरयानी ऑर्डर की थी, ये खिचड़ी कहाँ से आ गई है? बिरयानी? तुम तो चाय के साथ जीरा बिस्किट खाते हैं। जीरा बिस्किट खाते हैं हम अपने घर पे, लेकिन बाहर हमें क्या सी फूड खाने का हक नहीं है? ये क्या है डॉक्टर साहब, मेरा दिल कर चों चों खाड़ दूं पकड़ के मैं। ये रेंडा सोने वाला था, ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये मोरनी बन गया, ये डॉक्टर साहब लुम्बड़ी बन गए हैं। मैंने ना तेरे मुंह पे थूक फेंक देनी अगर तूने मेरी शक्ल के बारे में कुछ बोला तो। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉक्टर की डिग्री लेके बैठा हूँ, तू वहाँ मटिया लेके बैठा, मेरे से छिपा लड़ा सर। डॉक्टर साहब अपना मुंह चेक करो, आपका मुंह लीक करता है। मेरा तो मूड ही खराब हो गया यार। चलो यार, अरे भगाओ इस पक्षी को यहाँ से। एक सेकंड, चलो डॉक्टर साहब एक काम, सबने मेहनत की है, देखो लॉटरी सब लोग पानी लेके आए हैं। मैं तो केतली में लेकर आया हूँ। तेरी जान निकल गई यार ये पानी की बोतल लाते हुए। ये इतने से पानी से मैं आपको कौन सी परेशानी हो गई है? तू अपनी किडनी से पानी की बोतल निकाल के देख, तेरे को पता चलेगा। चलो डॉक्टर साहब मेरे को मत बुला यार, मेरा मूड सारा ही था। सुनते नहीं आप डॉक्टर साहब, ऐसा है सबने मेहनत की है पर लॉटरी बेकार नहीं जाने देगी, लॉटरी पब्लिक की डिमांड पे रेन डांस करके दिखाई। ठीक है लेकिन एक कंडीशन है। हम बोलो जान दे देंगे यार। आप 2 मिनट रुक जाओ, आपकी वैसे निकल जानी है। हाँ जी, आप लोग 3 गिनते उसके बाद आंख बंद करके पानी डालना है। चलिए चलिए चलिए। म्यूजिक
आ जाओ तो आप सब आ गए। कल को कहेंगे ट्रेन के नीचे आ तो आ जाओगे आप। बहुत अच्छा नाच रहे थे आप। थैंक यू सो मच। आई लव यू टू। शुक्रिया। आप अपने अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हनी सिंह के लिए। आइए आइए प्लीज आप लोग बैठ जाइए। शुक्रिया हनी बाजी, वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। बाजी थैंक यू सो मच यार, आप आए शो में मजा आ जाता है जब भी आप आते हो। एनर्जी आ गई लोगों में। बाजी मुंबई में पानी की इतनी किल्लत चल रही है, आप इतना पानी लेके घूम रहे हो, कोई आपको लूट ले तो? मैं तो खुद लूट के लाया, आपको क्या लग रहा है मैं खरीद के लाया? और इनफैक्ट सबको बात बताना चाहूंगा कि किसी ने कई साल पहले गाना गाया था कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये कई साल बाद मैंने बताया कि ब्लू है पानी पानी। अरे वाह, पानी आ गया। रश्के वाले का हवा निकाल, मैं बाल्टी लाती हूँ। अरे आराम से आओ, नहीं भागेंगे वो, आराम से आओ। सर मेरी केतली भर दीजिए, सारी जिंदगी आपको चाय पिलाता रहूंगा। चल तेरी चाय के लिए पानी नहीं, हमारे बच्चा दफा हो जाए। तो इसमें क्या मछलियां पालनी है आपने? भाई वैसे आपको चार बोतल वोडका के साथ आना चाहिए था। नहीं आजकल मैं पानी बांट रहा हूँ। तेरा टूने टोके जैसा मुंह, तू वोडका पिएगा तू? जब अपना काम कर जाके। जब दो बिजनेसमैन बातें कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए आपको। और सुनाइए हनी पाजी, क्या चल रहा है आजकल? मेरा तो सब हिट चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है आजकल? मेरी तो पाजी दुकान चल रही है। शर्मा जी आपका क्या चल रहा है? गर्दन इधर इधर ही होती है क्या? इधर भी होती है, ऊपर बोर्ड नहीं देखा? मेरा चल रहा है तो तेरी चाय की दुकान चल रही है। मैं पाजी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं ऊपर नहीं देखता हूँ। जमीन से तो जुड़ेगा, ये हैंडपंप जैसा मुंह है। बदतमीज आदमी को बड़ा आदमी आता है, इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी। एक्चुअली आई एम शेख चंदू। शेख चंदू? आई एम द ओनर ऑफ दुबई टी स्टॉल। और हनी पाजी आपको पता हमारे यहाँ चाय असेंबल की जाती है। असेंबल? हाँ जी। कुछ नहीं पाजी, इसने बड़े बड़े शब्द सीख लिए हैं, हर जगह फिट कर देता। परसों पजामे में नाड़ा डाल रहा था, कहता मैं पजामा असेंबल कर रहा हूँ। फिर पजामा पहना, नाला कट गया, पजामा गिरा, कहता मैंने कच्चा ब्रॉडकास्ट किया है। इसको कुछ नहीं आता, फालतू बकवास करता है। मेरी बात सुनिए, आप इनकी बातें मत सुनिए। आइए मैं आपको चाय की रिफाइनरी दिखाता हूँ। रिफाइनरी? रिफाइनरी कौन सा? 40,000 स्क्वायर फीट में बनी पाजी। ये 4x4 का खोखा है, उसमें से 2x2 की जगह रात को कुत्तों को सोने के लिए देता है, वो बदले में इसको बिस्कुट दे देते हैं, वही ये ग्राहकों को बेचता है, ये है इसकी असलियत। पाजी मैं कुत्तों को इसलिए सोने के लिए देता हूँ, कभी कभी ये सोने के लिए आ जाते हैं। अरे दुबई टी स्टॉल, इसका मुंह देखो, ऊंट के कुबड़ जैसा मुंह हो गया इसका। आजकल कोई भी चाय वाला बन जाता है मैंने देखा। वैसे पाजी इनको पता नहीं है कि हमारे देश में चाय बेचने वालों की क्या कीमत है। पाजी सिप करना है आपने, सिर्फ मेरी इज्जत करनी है। सिर्फ सिप ही करना, उसके बाद तो उल्टी करेंगे। नहीं मैं चाय पीता नहीं यार। लाना दे यार। और तू हनी सिंह को तू रखी हुई चाय पिला रहा है? तो ये भी गाने बना बना के रखते हैं। ये कौन सा स्टेज पे सीधे जाकर गा देते हैं। पाजी इसका कैसे करें, इसको थप्पड़ मारेंगे लाते मारेंगे? मेरी बात सुनिए पाजी, पता क्या, ये स्पेशल चाय है। आपको पता है इसमें मैंने चीनी भी नहीं डाली। ओके। क्योंकि आपका नाम हनी है, आपको चीनी की क्या जरूरत है? ऐसे तो तेरा नाम भी चंदन है, खुशबू आनी चाहिए, फिर तेरे से मैली जुराब जैसी बदबू क्यों आती है? पाजी इधर आ जाओ, बदतमीज आदमी, उसको पता नहीं है सिद्धू पाजी का कैमरा ब्लॉक हो रहा है। टेक्निकल आदमी नहीं है। मेरी बात सुन लो, आज मोहल्ले में पानी नहीं आया इसलिए बंदा कभी कभी नहीं नहाता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जा चला जा अपनी बीवी की नाइटी पहन के आ गया, दबा जा। पाजी आओ आप मेरे घर पे बैठो। पाजी हनी पाजी की फिल्म आ रही है जोरावर पाजी, मैंने ट्रेलर देखा, आप गाने सारे पार्टी वाले गाते हो, उसमें सिर्फ आपने एक्शन किया है, किस बात का गुस्सा है आपको? नहीं नहीं गुस्सा कोई नहीं है, वो एक फौजी की स्टोरी के ऊपर बनी फिल्म है। ओके। और ड्रामा है उसके अंदर, थोड़ी सीरियस फिल्म भी है और एक्शन है, जो एक्शन मैंने खुद ही किया है, तो ट्राई किया है पहली बार एक्टिंग करने का थोड़ा सा, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी फिल्म होगी आपकी नो डाउट। फिल्म जोरावर जो है उसकी जो प्रोड्यूसर हैं राजी एम शिंदे जी, जो अभी फर्स्ट रो में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, वो भी हमारे बीच है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और ये साथ में डायरेक्टर साहब बैठे हैं, क्योंकि राजी जी ज्यादा चमक रही तो इसलिए डायरेक्टर साहब थोड़ा फेड आउट हो रहे हैं।
राजी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे शो में आई हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड योर एंटायर टीम। थैंक यू मैम। आप लोगों को अपने टैलेंट से हंसाते ही नहीं है, लेकिन पूरी पंजाबी कम्युनिटी का नाम आपने बहुत पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर हनी सिंह अवेलेबल नहीं होते, वैसे तो वो करवा लेते हैं। नहीं, मतलब उनकी बात कोई टालता नहीं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। पर अगर हनी सिंह अवेलेबल नहीं होते तो आप किसको इस फिल्म में लेते? कपिल शर्मा। यो मैन। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जोरावर के लिए। थैंक यू। अच्छा, जोरावर मैंने जितना देखा है, मुझे ज्यादातर एक्शन देखने को मिला, मुझे पसंद भी बहुत आया। उसमें रोमांस का स्कोप था, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ना भी हो, आपने निकाल तो लिया होगा। पंजाबी आदमी ढूंढ लेता है स्कोप। नहीं, मुश्किल था एक लड़की के साथ रोमांस करना, क्योंकि मतलब मेरे म्यूजिक वीडियो देखे होंगे ना आपने, उसमें एक लड़की तो होती नहीं कभी ज्यादातर। ये वाकई, ये मॉडल नहीं बुक करते, ये पूरा कॉलेज बुक करते हैं। 500 लड़कियां नाच रही हैं तो। नहीं, एक्चुअली मेरा एक गाना है वन बॉटल डाउन, जो हमने LA में शूट किया था, उसके लिए 400-450 मॉडल्स आई थी। 450 लड़कियां, तो कितने दिन में शूट किया आपने? हमने एक रात में। एक रात में, तो घर कितने दिन बाद गए? अच्छा पाजी, आपने एक बात नोटिस की है, हनी जितने भी गाने करते हैं सबके सब हिट होते हैं। मुझे समझ नहीं आता इतने हिट गाने आपको कहाँ से मिलते हैं। आपने कोई तोता रखा हो जो पर्ची निकालता है आपके लिए? ये क्या हो, जानने की क्यूरियोसिटी है लोगों को। कुछ नहीं, बस ये है कि मैं अपना खुद का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, और मैं गाना जब म्यूजिक बना रहा होता हूँ तो तकरीबन 2,500 बार तो बीट सुन लेता हूँ, तो जब फिर मिक्स करना होता, मास्टर करना होता, तो तकरीबन 5,000-6,000 बार ही तो खुद ही गाना सुन लेता बंदा, तो खुद समझ में आता है कि यार ये बकवास है, बोर कर रहा है गाना, या ये अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो एटलीस्ट मुझे लगता है ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत बढ़िया। नमस्कार। ये आवाज कहाँ से निकली? हमारा ही है। तुम्हारा है? तुम्हारा, ठीक है। अच्छा लगा आपको हमारे मोहल्ले में देख के। हम यहाँ पीछे आपके बगल में ही रहते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। रिंकू बाबू जी, सिद्धू जी के बगल में पसीना रहता है। ठहर जाओ। ओ ठहर जाओ। मेरी बगल में पसीना रहता है, तूने सूंघ के देखा है क्या? नहीं, इसने आपका बनियान धोया होगा। बड़े लोगों के बगल में पसीना नहीं आता है। हाँ। क्यों नहीं आते हैं? शो के प्रोमो में नहीं देखा? सब लोग ऑटो में आते हैं, सिद्धू जी हेलीकॉप्टर से आते हैं। हेलीकॉप्टर का पसीने से क्या लेना देना कुछ भी? ऊपर पंखा चलता है। ऊपर पंखा चलता है तो पसीना कैसे आएगा? हाँ, ये बात भी ठीक। ये तो है वो जो यू करते हैं। यू नहीं करते हैं, ये यो करते हैं। यो यो हनी सिंह है। पैसा तो यू करके ही कमाते हैं ना। वैसे बताइए, कैसे आपका रफियाने का काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया रफियाने का। अरे आप तो एकदम ऐसा नॉर्मल लोगों की तरह ही बातचीत करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। नहीं, हम क्या इसलिए खाली कह रहे हैं कि क्या है, आपके गाने के बीच में आपको इतना बतियाते हुए सुने हैं, हमको लगा निजी जीवन में शायद गाते होंगे। ये क्या बनवाया आपने? ये तो मैंने लॉस एंजलिस में बनवाया था। वहाँ कबूतर बन के गई थी मैं। कबूतर के कबूतरी? आपको जेंडर में क्या लेना देना? अंदर से बाजी, आपको ही पता है कबूतरी है। हम आपको बता दें, हमको रिंकू देवी कहते हैं, ये हमारी ननद है, इसको संतोष कहते हैं। अच्छा। और सामने बैठे सिद्धू जी कहते हैं, उनके नीचे जो है सोफा कहते हैं, इनको ऑडियंस कहते हैं, और लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, लोगों का काम है कहना। और अगले मैच में अच्छा खेलेंगे सुरेश रैना। तेरा ब्याह हुआ है का सुरेश रैना के साथ?
अरे बाबूजी हम तुकबंदी कर रहे हैं। तो उसके साथ तो बहना भी तुक में आता है। तो रहना कहना सहना बहुत कुछ है, काका बोले। और वैसे भी ज्यादा बतियाने की जरूरत ना है। वहाँ थोड़ी खड़े हैं हम, यहाँ खड़े हैं, धीरे बोल। भैया क्या बोले थे आपको? क्या? किसी भी अजनबी पुरुष के सामने ज्यादा बातचीत ना करें। जब तुम्हारे भैया ने हमारा पहली बार घूंघट उठाया था उससे पहले हम T20 खेलते थे क्या? हनी जी बैठिए आप आराम से, आपको मालूम है आपकी तरह हम भी गाना गा लेते हैं। अच्छा जी, इजाजत हो तो सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये क्या? अपना ही घर समझते हैं। दो तबला एक जोड़ा है। आज हमारा गला थोड़ा सा अच्छा ही है। मेरे सिर पे मार दे, सामने बैठ के मार, मत इधर आ। अरे कैमरा। और तू ड्रम बजा रही है कि ढोलक बजा रही है? एक चम्मच ले। इसमें तो वैसे भी आवाज नहीं आ रही, मैं यहाँ बजाती हूँ। आ जा बैठ जा, आ जाएगी, इतनी बड़ी कैमरे से कैसे छुपेगी तू? आ जा आ जा, तेरे को देख देख के तो डर भी लगता है मुझे। पहले ललकारे नाल मैं डर गई, दूजे ललकारे में अंदर बढ़ गई, तीजे ललकारे में नाम डाले गए बेटे ये पंजाबी गाना सुना रही है, तो हमारे वहाँ पे गाते हैं चमकीला का गाना, जट लोग चमकीला गाना ये। तब हम कौन सा कह रहे हैं, तेलुगु गाना सुनाए हैं हम, पंजाबी सुनाए हैं। अरे कोई हनी सिंह का गाना सुनाना यार, हमरे सुपरस्टार। एक मिनट, आपकी ननद फैल रही है, उसको इकट्ठा करो। यार हमरा सुपरस्टार देसी कलाकार भाई, हम पुत्री शुक्ला की मानेगी ना हार भाई, दुनिया की सोचो कि साढ़े बारे गले बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने भी मम्मी डैडी दा भी गल होने बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने भी मम्मी डैडी का भी दिल बिलो होने छड़ दे छड़ दे। काम कर तू, दे दे 5 आलू 1 भिंडी और साथ में तू पैक कर 1/2 किलो टिंडी, घर जाके बनाऊंगी मैं परवल की भाजी और तुझको खिलाऊंगी, तू हाँ कर या ना जी, यार मेरा सुपरस्टार सब्जी का भैया कब मुझको मिलेगा मर्जी का सैया। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, बैठे बैठे गाते हो, पीछे से लगता कोई पंप देता है, तवा बोलते फिर हवा हवा जैसे जैसे कम होती फिर बैठ जाते। ब्रिलियंट। हमारे में एक होता है, जब प्रैक्टिस कर रहे थे ना हम इसकी, तो हमारा उंगली फंस जाया करता था ऐसा। उंगली फंस जाया करता था। किसका प्रैक्टिस? कह रहे थे कि आपका फिल्म आ रहा है, उसका ट्रेलर देखे, वो अपना जोर आपके फिल्म के ट्रेलर का तारीफ करने वाले थे, लेकिन आपके फिल्म का नाम थोड़ा जोर से ले लिया, हमारे पेट में गुड़गुड़ी हो रही है। गुड़गुड़ी नहीं हो रही, वो हमारा लेटरिन जाने का टाइम आ गया है। हम आते हैं, चलो हनी भाजी, आपके करोड़ों फैंस हैं, कभी किसी ने आपको अजीब सी डिमांड की है? बहुत अजीब सा सीन हुआ, अभी दुबई में थे हम लोग, तो एक बंदे का फोन आया कि मेरी, मैं और मेरी बेटी आपका वेट कर रहे हैं नीचे। अच्छा। हम लोग 6 घंटे से वेट कर रहे हैं, प्लीज आप एक फोटो करा लीजिए। तो हमने कहा चलो हम जब नीचे जाएंगे फोटो करा लेंगे। जब नीचे हम गए तो वो बच्ची, वो लड़की रोने लग गई, तो फोटो कराई जिसी तरह। तो थोड़ा सा आगे गए, वो अंकल जी पीछे से आए, कहते हनी जी हनी जी। मैं कहा हाँ जी।
आप मेरी बेटी को किस कर देंगे जरा? मैं को व्हाट? तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगा हमें, तो वो बड़ा छोटी बच्ची थी? नहीं बड़ी थी वो, मतलब यंग थी, 18-19 साल की थी, बट इवन दो इट्स लाइक पहली बार हुआ ऐसा. आप क्या करते हैं ऐसा? तो मैं यार किसी बाप को मना थोड़ी कर रहा. अरली जी हम आ गए हल्के होके. बाबे हैं ए, क्या करते तुम? बाथरूम में असली काम करते हैं और नकली नोट देते हैं. तुमको तमीज नहीं है इतने बड़े लोगों के सामने ऐसी बातें करते हो? क्यों बड़े लोग बाथरूम में जाते क्या? हेलो हनी सिंह जी. हेलो हाउ आर यू? तुमको पैसा देना पड़ेगा, वैसे भी 3-3 दिन रोक के रखते हो और उसके बाद आते हो. रोक के रखते हैं तो हमारा टैलेंट है ना. पैसा निकालो. क्या पैसा पैसा कर रहे? पैसा 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 पैसा. इतना नहीं किया उसने, बस कर. कितना बड़ा बड़ा लोग से हमारा रिश्ता है देखिए, कितना बड़ा बड़ा लोग हाथ मिलाइए देखिए. हमसे हाथ मिलाइए हनी जी, देखिए हमारा रिश्ता. ये क्या क्या तुमने? अयो हनी सिंह जी, हम आपसे हाथ मिलाने वाला था, अभी नहीं मिला सकते. क्यों? क्योंकि ये लोग दोनों हाथ नहीं धोता है. हाथ धोने का ये हाथ क्यों लगा था? अरे कुछ नहीं. ऐसे अरे कुछ नहीं हुआ. बैठे. अरे कपिल शर्मा बैठो. अरे चल भावे. अरे बैठो. अरे बैठो. देखिए आप इधर आइए. सिद्धू जी आप ही समझाएं. आप ही तू समझा दे. मोहन तुमको पता नहीं तुम क्या किए हैं? क्या किया मैंने? रानी जी के साथ हमारा रिश्ता तोड़ दिया, जान ले लूंगी तुम्हारा. अरे मेरे ऐसे क्या बोले, मैं तो सिर्फ सच बोला ना, हाथ नहीं धोया ना तुमने. छोड़ 2 रुपया सच में. रहने दे कोई नहीं. ए संतोष 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 कोई नहीं है, कोई नहीं है. रो मत सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ. चुप हो जा, चुप हो जा. 2 रुपया मांगा तो देख क्या हुआ, तो कुछ जान वाकई ले लेगी वो तेरी. चल संतोष अभी घर चल के खाना खाना है, कल सुबह वापस भी तो आना है. चल हम जा रहे हैं. ठीक है ठीक है. मेरा लेटरिन का नारियल पानी. अच्छा मोहन दुर्लभ शौचालय. इसमें एक चीज और लिखी हुई है, हैप्पी आवर्स में वाईफाई फ्री. हमारे लेटरिन के अंदर संडे हैप्पी आवर्स में वाईफाई फ्री होता है. अगर आपको बार बार आना है तो मंथली पैकेज भी है, और अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा प्रेशर मसाज भी है. तो ये बात आप हनी सिंह को क्यों बता रहे हैं? उनका अपना टॉयलेट है. हैं? आपको टॉयलेट है? कंपटीशन? नहीं. एक आदमी का कितना लेता आप? अरे मेरे घर पे टॉयलेट है भाई. अरे उनके घर में है, उन्होंने अपने लिए यूज करते हैं. तुम्हारी तरह पब्लिक टॉयलेट नहीं खोला. हाय सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया. लेकिन हनी सिंह जी आप कभी ऐसा आउटडोर में जाएगा लेटरिन का प्रॉब्लम होगा ना, तुरंत हमको इस नंबर पर फोन करने का. होम डिलीवरी भी करता है एकदम. घर जैसा लेटरिन है. घर जैसा है. देखो पैसे के बारे में सोचने का नहीं है, अपना सेलिब्रिटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्कीम भी है. वो क्या है कि अगर आप लोग हमारा ऐड करेगा ना, हम आपको 6 महीने ए लुंगी नीचे करो, 6 महीने फ्री. ओनली मॉर्निंग्स. ओनली मॉर्निंग्स. तो आप क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करते? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब एक्सेप्ट करते, राशन कार्ड भी. तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कहां करते हैं? हनी भाई जी इनका ऐड कर दो यार थोड़ा सा टॉयलेट का. बहुत सिंपल है सर, देखिए बहुत अच्छा लाइन है. कब तक रोक रोक के करोगे वेट? कुछ दिन गुजारिए इन मोहन टॉयलेट. ये नारबल लेके जाइए अपना. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हनी भाई जी जब हमने ये शो स्टार्ट किया, हम लोगों ने पूरा भारत भ्रमण किया, अलग अलग शहरों में गए, तो बहुत सारा ऐसा टैलेंट हमें मिला जो लोगों के मन में है कि हम एंटरटेन कर सकते हैं,
हमारे मंच पे आके पूरे हिंदुस्तान को हंसा सकते हैं, ऐसे कुछ लोग हमने चुने। एक अमृतसर से एक फैमिली है, हाँ आप प्लीज मंच पे आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किन के साथ आई हैं? मम्मी के साथ और कजन के साथ। अच्छा, कैसे हैं मम्मी जी, आप ठीक है? तो आप क्या करना चाहती हैं? मेरा शौक था कि मैं हनी सिंह के गाने पे ना डांस करूं। आप सच्ची में करना चाहती थी कि सामने देखा तो बोल दिया? नहीं नहीं, सच्ची में। आपको पता हनी बाजी का रिसेंटली गाना बहुत बड़ा हिट हुआ जो सोनम कपूर और ऋतिक पे पिक्चराइज किया गया। सो आज ऋतिक और सोनम नहीं है बल्कि हनी सिंह और सुखनप्रीत बस आपके हैं। इस गाने के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा लोगों को। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तकरीबन 1.5 साल और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था उस वक्त। और तब मैंने गाना लिखा और गाना मैंने आधा लिख लिया था, मुझसे और लिखा नहीं जा रहा था। तो मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प करी है गाना लिखने को मुझे। और इसका म्यूज़िक मैंने अपने ड्राॅइंग रूम में इसको फ़ोन पर रिकॉर्ड किया, किसी स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड नहीं किया इस गाने को। और मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद, मेरी नामौजूदगी के बावजूद इंडस्ट्री में इस गाने को इतना पसंद करेंगे कि ये नंबर वन वीडियो है इस टाइम पे इंडिया का। कपूर! हाँ जी। ए कपूर, ये ले, ये बाल्टी ले, जल्दी से पानी भर दे वरना पानी भरने वाला चला जाएगा। नानी, तुझे पानी भरने वाला लग रहा है? रॉक स्टार है हनी सिंह। किधर है? इधर 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 इधर, हाँ इधर इधर इधर। नानी कैसे हो आप? अब पता चल गया ये पानी वाले नहीं है, पानी भरने वाला ही तो है। क्यों? हाँ, आज ब्लू है पानी 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 है ना। हाँ, इतना तेज गाता है, एक ही गाने में कितना कुछ बोल जाता है। अरे बेटा, अगर आराम आराम से गाए तो उसमें से 3 गजल निकल आए। अरे आज हनी आया है, हनी आज तो कम से कम 2-3 गाने सुनकर ही रहूंगी मैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.